कोरोना ने हमें बहुत सारे फियर्स दिए, बहुत सारे इश्यूज, चैलेंजेस दिए, लेकिन एक इश्यू, चैलेंज या फियर मैं कहूँ तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे या हम देख नहीं पा रहे, जिसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देने वाला हूँ। हे हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मिलन बहल, आई एम अ स्टूडेंट मोटिवेशन कोच, एंड आज मैं आपको मेरे लाइफ का इतना एक्सपीरियंस जो ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ने में मैंने दिया है, 10,000 घंटे जो मैंने स्पेंड किए, उसका थोड़ा सा आइडिया मैं शेयर करने जा रहा हूँ जो मुझे लग रहा है हो सकता है। हम जब कोरोना की वजह से घर पे थे तो एक कैटेगरी के लोग घर पे थे, जब हम लोग बाहर निकले तभी भी वो वाले लोग घर पे थे, जब हम वापस से कोरोना बढ़ा तो घर पे थे तभी भी वो घर पे थे, और जब हम बाहर निकले वापस से तो भी वो घर पे थे। कौन है वो कैटेगरी के लोग? कुछ लोग सोचेंगे वो हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं या हमारे एल्डर्स हो सकते हैं, लेकिन मैं उन लोग की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोग की बात कर रहा हूँ जो लैपटॉप एंड टीवी को ही अपना स्कूल बना लिया है, मैं उन लोग की बात कर रहा हूँ, और वो है हमारे बच्चे 10, 12, 16, 18 जो भी उनकी उम्र हो, लेकिन पेरेंट्स से मैं एक चीज़ सुनते आ रहा हूँ कि वो लोग मोबाइल एंड टीवी में घुस गए हैं और थक गए हैं और इन सारी चीज़ों से पक भी गए हैं। शायद कुछ लोग को ऑनलाइन काम करना मज़ा नहीं आ रहा है, शायद कुछ लोग का कॉन्सेंट्रेशन वीक हो गया है, कुछ लोगों की मेमोरी पे असर हुआ है, और कुछ लोग समझ नहीं पा रहे कि आगे क्या होने वाला है। फियर तो ये है जो मैं प्रेडिक्ट करने जा रहा हूं कि ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में वो लोग को स्कूल जाने से डर लगे, अपने आप को एग्जाम देने से डर लगे, या उनको लोगों से मिलने में डर लगे। बहुत सारे ऐसे फियर्स हैं जो आने वाले टाइम में क्रिएट हो सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं उनको बचाने के लिए, मैं शायद वो आपसे शेयर करने वाला हूं। मैं आपको डराने नहीं आया हूं, लेकिन जरूरी बताने आया हूं कि ये सारी चीजें हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे आपने सुना होगा, हर दर्द की दवा होती है, हर ताले की चाबी होती है, या जैसे कोरोना की वैक्सीन होती है, वैसे ही इस चीज़ का भी सल्यूशन है। जैसे हर प्रॉब्लम के लिए कोई ना कोई सल्यूशनिस्ट होता है, तो ये जो बच्चों की प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन निकालने का या उसका ढूंढने का काम हमें मिला गया है, और वो हमने करने की कोशिश की है। एंड ये सल्यूशन ये हो सकता है कि बच्चों की माइंडसेट कैसे अपग्रेड कर दे और बच्चों को ऐसे लेवल पे कैसे ले जाए जहां वो अपने आप को बहुत ही बेहतर फील करें। ऐसा हो सकता है कि आप जो सोच रहे हो अपने बच्चे को सक्सेसफुल बनाने के लिए, वो सारे टिप्स एंड टेक्निक्स उनको दी जाए और ये मोबाइल की जड़ से उनको कैसे दूर रखा जाए या मिनिमम उनको करवाया जाए, वो सारे सल्यूशन आज हमारे पास अवेलेबल है। एंड यस फ्रेंड्स, ये सल्यूशन अवेलेबल तो है, लेकिन सबसे बड़ा मैटर ये करता है कि क्या आप अपने बच्चों के लिए अवेलेबल हो, क्या वो फ्यूचर जो आप आज देख नहीं पा रहे हो, वो जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या उसमें आप उनका सपोर्ट करने वाले हो? आगे जाके जब उनको कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम या जो भी चैलेंजेस आने वाली है, उसके लिए क्या आज से आप प्रिपेरेशन करवाने को तैयार हो? और अगर आपका आंसर यस है तो ही ये वीडियो आगे देखिएगा। मैंने एक वर्कशॉप डिज़ाइन किया है जो 5 दिन का है, और उसमें ये सारे प्रॉब्लम्स के सल्यूशन है, लेकिन सामने मेरी एक शर्त है। शर्त कुछ बड़ी नहीं है, आप मुझे बताइए कि क्यों मैं आपके बच्चे को इस सेशन में लूँ, आप बताइए। मुझे बच्चों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप मुझे बताइए कि मैं बच्चों को क्यों सिलेक्ट करूँ इस वर्कशॉप के लिए। मेरे पास लिमिटेशन है कुछ लोग की, मैं उन लोग को ही ले सकता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी कुछ रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, मैं कुछ रजिस्ट्रेशन और प्लान कर रहा हूँ कि वो इस वर्कशॉप में एंटर कर सकते हैं। और अगर आप लकी हुए, अगर आपका Why बहुत ही क्लियर एंड बहुत ही अमेजिंग हुआ, Why का मतलब है कि आपका रीजन सही हुआ कि आपके बच्चों को या आपके बच्चे को क्यों मैं इस वर्कशॉप में लूँ, तो वो इस वर्कशॉप में आ सकता है, और मैं पूरी जी जान लगा दूंगा उनके जीवन को एक नई दिशा दिखाने के लिए। सो यस, अगर इस वर्कशॉप से किसी की लाइफ में चेंज आता है तो मुझे बहुत फर्क पड़ता है।